चेयरमैन साहब आप छोड़िए, मुझे इस काम के लिए रखा गया है, मैं ही करूंगा ना। आप जाइए। अरे ठीक है, लो तुम कर लो, मैं देखूं कोई गेट पे है। जी मैडम जी। साफ पानी। ये रामू कितना सीधा है और काम कितना करता है। हाँ वो तो है। जी नमस्ते। नमस्ते, मुझे आपके पास रोहित ने भेजा है, मुझे रूम चाहिए। जी मिल जाएगा। देखिए ये रूम है आपका। रूम तो आपने बहुत अच्छा बनाया, मुझे पसंद आया। ओके, और कल से हम यहाँ कर सकते हैं। ठीक, ओके, ठीक है, चले। भाभी जी, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? हाँ। वो क्या है ना, पूरा दिन मैं जब से आया हूँ काम करते करते पूरा समय निकल गया, मेरा फ्रिज भी नहीं सेट होता। सुनिए, ये जो किरायेदार है ना, मुझे वो समझ नहीं आया। ये मुझे बहुत अजीब नजर से देखता है। अरे सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम ही ना बिल्कुल हर वक्त ऐसे ही सोचती रहती हो। और हाँ सुनो, कल हम दिल्ली जा रहे हैं 4 दिनों के लिए, और अपना ध्यान रखना। ठीक ठीक है। सुनो रामू, मैं 4 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, और अपनी मैडम का ध्यान रखना। जी साहब, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं यहाँ से संभाल लूंगा। ओके। भैया तो बाहर चले गए, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा जरूर। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, आप अपना काम करो। Thank you.
बन सकता है। भाभी जी, हम दो दिन के लिए गांव जा रहे हैं, दो दिन बाद वापिस आ जाएंगे। ये क्या हो गया तुझे? पागल हो गया क्या? हाँ, भाग यहाँ से। भाभी, रिलैक्स भाभी, रिलैक्स। आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे है ना, इस नौकर पर बहुत पहले से ही शक था। हाँ मैं ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी टाइप के आ गए, नहीं तो पता नहीं क्या होता। लेकिन आप तो गांव गए थे। हाँ भाभी, मैं गांव जा रहा था लेकिन टैक्सी नहीं मिली तो वापिस चला आया, और अच्छा ही हुआ जो मैं वापिस चला आया। सॉरी सुगुन जी, मैंने आपको बहुत गलत समझा और उसको बहुत सीधा। आज पता चला कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। आप सच कह रहे हैं भाभी, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं।